Hello and welcome to today's editorial. Today we are going to read about a very important thing, where we can say diplomatic, कि जो एस जयशंकर हैं हमारे यूनियन के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान जाने का कुछ उनका मुद्दा आया है सामने. पाकिस्तान जाएंगे क्या कुछ बातें होंगी उसके बारे में हम आज पढ़ते हैं. ओके, आई एम रीडिंग द ट्रिब्यून एंड द पेज इज ओपिनियन इन विच एडिटोरियल इज गिवन एंड दिस एडिटोरियल रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड फॉर इन्हेंसिंग वोकैबुलरी as this vocabulary is asked in most of the competitive examinations and it gives an impetus for the students. Impetus matlab hota hai ek na starting ek aag jaisi lag jati hai. It gives an impetus for the students who are preparing for Olympiad and any kind of government job examinations including SSC. Okay, so let's move. Here is External Minister, just a moment. Okay, External Minister, External Affair Minister S. Jayashankar, Jayashankar's upcoming visit. Upcoming मतलब अभी गए नहीं है. Upcoming visit to Pakistan. Upcoming visit to Pakistan for Shanghai Cooperation Organization (SCO) Shanghai Cooperation Organization Summit. Summit मतलब होता है meeting. Summit मतलब एक तरह से meeting होती, बैठक होती है. Okay, represents a significant opportunity for India to explore diplomatic possibilities. ये भारत के लिए बड़ा ही significant है. Significant मतलब important, है ना? Important, महत्वपूर्ण, बड़ा ही जरूरी है ये मुद्दा. Opportunity बहुत अच्छा मौका है, बहुत important मौका है ये. Opportunity है for India to explore diplomatic possibilities. Diplomatic मतलब वही, है ना, एक देश से दूसरे देश में जो आपस में बातें होती हैं, देश से related या जगह से related, उन्हें डिप्लोमेटिक बोलते हैं, डिप्लोमेसी बोलते हैं ना. जैसे राम की जब लंका में जब रावण चले गए थे, मतलब उनकी सीता को लेकर, तो राम और रावण के बीच में जो युद्ध था तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग डिप्लोमेट गए थे. और शायद ये एस जयशंकर की ही बात है, उन्होंने कहा कि हनुमान से बड़ा कोई डिप्लोमेट नहीं है. जब वो राम के साथ यहाँ पर भारत से जो श्रीलंका गए और उन्होंने बातचीत करी तो वो डिप्लोमेट थे. तो वो जो बातें कर रहे थे वो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेट. सो डिप्लोमेटिक पॉसिबिलिटीज का एक उनको जानने का, एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा. ग्रेट अपॉर्चुनिटी. ओके, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी. एंड दिस विल बी द फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट या टू पाकिस्तान इन नियरली अ डिकेड, द लास्ट बीइंग इन 2015 बाय सुषमा स्वराज. तो आखिरी जो विजिट थी, लास्ट विजिट मतलब होता है आखिरी, है ना, आखिरी मतलब अब के बाद, आज से पहले जो हुई थी वो. एक तो वैसे आखिरी पता ही है, लास्ट मतलब पिछली बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, पिछली जो आखिरी जो विजिट थी पिछली, वो सुषमा स्वराज के द्वारा हुई थी इन 2015. उसके बाद अब 2024 के आसपास होगी, 24-25 में एक्सटर्नल मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं ये जाएंगे पाकिस्तान. ओके, आगे चलते हैं. तो इसके कुछ वर्ड्स हैं. एक्सटर्नल मिनिस्टर, ये तो इनका नाम हो गया. अपकमिंग, अपकमिंग मतलब होता है अपकमिंग. इसके लिए एक और वर्ड आप लिख सकते हो, फोर्थ कमिंग. फोर्थ कमिंग, अपकमिंग, फोर्थ कमिंग, आने वाला. फॉलोइंग भी यूज कर सकते हैं, फॉलोइंग, फोर्थ कमिंग, ठीक है. अपकमिंग पाकिस्तान फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट. समिट मतलब एक कॉन्फ्रेंस हो गया, मीटिंग होगी, बैठक होगी. रिप्रेजेंट बताती है, दर्शाती है, किसे दर्शाती है, अ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही जरूरी मौके को दर्शाती है फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू एक्सप्लोर डिप्लोमेटिक पॉसिबिलिटीज, कि जो डिप्लोमेटिक पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी क्या क्या हो सकती हैं, ये अच्छा मौका दे रहा है. एंड दिस विजिट, दिस विल बी द फर्स्ट by visit by an Indian foreign minister to Pakistan in nearly a decade. पिछले 10 सालों के आसपास में ये पहली है, उससे पहले सुषमा स्वराज ही गई थी. Okay, let's move to the next page. Though Jayashankar has stated, state मतलब होता है बताना, tell, state, बताना, कहना, say, tell, state. Okay, so though मतलब होता है हालांकि, और though के लिए बहुत सारे word हैं. I often tell to the students in my class. एक तो दो हो गया, दो का मतलब होता है हालांकि. ओके, हालांकि, यद्यपि, जब भी कोई दो बातें हो ना और दोनों कॉन्ट्रोडिक्शन हो रही तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि. तो एक तो वर्ड हो गया दो, इसके सिनोनिम्स जरूर लिखना सभी. दो, एक हो गया ऑल्दो, एल, एक हो गया हाउएवर,
एक हो गया एलबीट, ओके दो ऑल्दो, एक नेवर द लेस, एक नन द लेस, नेवर द लेस, नन द लेस, एलबीट, ऑल्दो, और एक जो बट होता है ना वो भी इसी तरह काम करता है, बट, तो दो ऑल्दो हाउएवर एलबीट नेवर द लेस नन द लेस एंड बट, ये सारे वर्ड है जो दो कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स को बताने के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं, दो एस दो जयशंकर हैज स्टेटेड, उन्होंने हालांकि उन्होंने ये बताया, क्या बताया, दैट दिस विजिट इज नॉट एम्ड एट डिस्कसिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, मतलब वो जा रहे हैं तो मतलब कुछ बात करेंगे ऐसा हम मान रहे हैं, तो हालांकि उन्होंने ये बताया कि ये एम्ड एट मतलब उनका मेन मुद्दा है ना, जैसे उनका मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मकसद बोल सकते हैं, तो उनकी विजिट का मेन मकसद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का डिस्कशन करना नहीं है। इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, अच्छा यूनिक नाम का कुछ भी वर्ड आ जाए, यूनिक या यूनिवर्सिटी या यूनिक, यूजफुल, यूनिक, यूरोपियन, इन सबसे पहले ए आता है, अगर इसके बाद एक अननोन नाउन आ रही है, कोई भी एक ऐसी नाम जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है, ए यूनिक, ठीक है, हम सब ने बचपन में याद करा है कि ए ई आई ओ यू, इनसे पहले हमेशा एन आता है, लेकिन ये एक स्पेशल स्पेलिंग है जिसमें यू नहीं आ रहा है, यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये य से शुरू हो रहा है, जो कि एक व्यंजन की आवाज़ है, स्वर की आवाज़ नहीं है, स्वर की आवाज़ से पहले एन आता है, ये एक व्यंजन की आवाज़ है, हर व्यंजन से पहले ए, जैसे ए बॉय, ए काउ, इसी तरह ए यूनिक अपॉर्चुनिटी, ओके बी केयरफुल, सो इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट, इनिशिएट मतलब शुरू करना, ए थॉ, थॉ मतलब होता है, थॉ भी बोल सकते हो और दो भी, इसका मतलब होता है एक वॉर्म्थ, एक मतलब नरमी गर्मी, हल्की सी तपत है ना, हल्की सी जो अच्छी लगे, वॉर्म्थ बोल सकते हो, वॉर्म, वॉर्म, सो इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट ए थॉ इन द बायलैटरल टाइज, बायलैटरल टाई का मतलब रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में एक अच्छा मौका है थोड़ी सी नरमाई देने के लिए, रिलेशंस बिटवीन द नेबर्स हैव बीन स्ट्रेन्ड, इन नेबर्स के जो रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब बड़े ही प्रेशराइज्ड है, खींचे हुए हैं, तनावपूर्ण है, तनावपूर्ण, तो ये जो रिश्ते तनावपूर्ण हो रखे थे सिंस द पुलवामा टेरर अटैक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक एंड द सबसिक्वेंट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317 2019, तो एब्रोगेट मतलब होता है हटाना, एब्रोगेट, एब्रोगेट से बन गया एब्रोगेशन, हटाना, ठीक है, इसके लिए कुछ वर्ड हैं, एक वर्ड होता है डू अवे विद, ये अपने आप में फ्रेज हो गया, डू अवे विद का मतलब भी होता है हटाना, एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा डिमोलिश, एक वर्ड होता है सही अबॉलिश, एक वर्ड अभी इसी के बाद प्रचलित हुआ था रिपील, तो रिपील करना, एब्रोगेट करना, डिमोलिश करना, डू अवे विद करना, इन सब का मतलब होता है किसी भी पुराने सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर कोई भी पुराना रूल है उस रूल को हटा देना, तो आर्टिकल 370 विच गिव्स अ स्पेशल स्टेटस टू JNK, उस स्पेशल स्टेटस को, उस 370 आर्टिकल को अबॉलिश कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, चल नहीं रहा, ठीक है, तो सबसीक्वेंट मतलब होता है बैक टू बैक, है ना, पहले एक चीज हुई फिर उसके बाद कुछ हुआ फिर उसके बाद कुछ और हुआ, तो बैक टू बैक जब चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं सबसीक्वेंट, तो जो सबसीक्वेंट एब्रोगेशन और हो गया आर्टिकल 370 का, तो ये सारी चीज़ें होगी जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में एक तनावपूर्ण जो है स्ट्रेस स्ट्रेन्ड जो रिलेशंस हैं वो बने हुए हैं। हाउएवर हालांकि द डिवेलपमेंट सच एज द 2021 लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर, जो एक डेवलपमेंट हुई, एक चीज़ बनी, क्या हुआ उसमें 2021 में सीज फायर हुआ, सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, किसके अक्रॉस, अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल LOC जो पाकिस्तान में कश्मीर के अंदर एक लाइन आती है, हैव ऑफर्ड अ ग्लिमर ऑफ होप, ग्लिमर ऑफ होप का मतलब होता है आशा की किरण, आशा की किरण, तो इस चीज़ ने एक आशा की किरण निकाली, एक भी ठीक है देखते हैं शायद आगे लड़ाई ना हो, साथ आगे कुछ ना हो। अच्छा एक सीज फायर के लिए एक वर्ड और होता है ट्रूस, TRUCE, ट्रूस का मतलब एक टेम्प्रेरी सीज फायर होता है कुछ दिनों के लिए, अभी जैसे इसराइल और हमास का जो लड़ाई होती है उसमें बीच बीच में कुछ 3-4 दिन का ट्रूस हुआ था, सीज फायर की लड़ाई नहीं होगी, फिर 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर दोबारा से जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं,
And this agreement revived the 2003 truce. ये देखो अभी आ गया ना truce. 2003 का जो truce था उसको रिवाइव कर दिया. मतलब 2003 में एक बार लड़ाई रुकी थी, उसके बाद फिर चलने लगी. तो अभी जो ये 2021 में जो LOC वाला जो एग्रीमेंट आया, इसमें इसने सीज फायर ने 2003 वाले truce को फिर से जारी कर दिया. रिवाइव करना, रिवाइव मतलब होता है किसी चीज़ को जो कि डेड है, मरी हुई है, ख़त्म है, यूजलेस है, यूज़ में नहीं, उसको दोबारा से चालू करना, शुरू करना, उसको जिंदा कर देना, अलाइव बनाना, रिवाइव कहलाता है, फिर से शुरू करना. दिस अग्रीमेंट रिवाइव्ड द 2003 अलॉन्ग द LOC के दोनों तरफ, ग्रेटली इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ सिविलियंस इन बॉर्डर एरियाज. बॉर्डर एरियाज में दोनों तरफ ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जिंदगियों को, यानी कि दोनों तरफ लड़ाई हो रही थी, बुरा होता था, तो अब इम्प्रूवमेंट आ गया. द पीसफुल असेंबली इलेक्शन इन JNK जम्मू एंड कश्मीर फर्दर सिग्नल मतलब होता है इशारा करना. तो इन्होंने फर्दर एक इशारा किया है, पोटेंशियल फॉर स्टेबिलिटी विच कुड फोस्टर मतलब होता है फोर्टिफाई करना, एनर्जाइज करना, बढ़ाना, किसी चीज़ में एनर्जी देना ताकि वो चीज़ ना रुके, वो चीज़ चलती रहे, है ना. एनर्जाइज करना लिख देता हूँ. तो किसको एनर्जाइज कर रहा है, फोर्टिफाई फोस्टर किसको कर रहा है, एनवायरमेंट कंड्यूसिव फॉर डायलॉग. एनवायरमेंट कंड्यूसिव मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है अभी, वो सब लोग उसको करना चाहते हैं. तो ऐसी स्टेबिलिटी के बारे में ये जो रिलेशन है, अभी उनका जो जाना है, जो असेंबली हुई है, असेंबली के इलेक्शन हुए हैं JNK में, वो भी इस चीज़ को फोस्टर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. ओके, मूव टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पेज ऑफ टुडेज़ एडिटोरियल. पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट, ये तो इंडिया की बात हो गई, पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट, पाकिस्तान अपनी तरफ से क्या बोलता है, पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट उसे अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, मस्ट डैमेज. अच्छा, ये एक इट्स वर्ड था, इट्स में डिफरेंस, इट प्लस इज को अगर जोड़ें तो बनेगा इट्स, और इसमें लग जाएगा अपोस्ट्रोफी. ये इट प्लस इज या फिर इट प्लस हैज से भी इट्स बनेगा, लेकिन ये तो इट्स है जिसमें इनवर्ट ये अपोस्ट्रोफी नहीं है. इसका मतलब होता है इसका उसका. जैसे मैं बोलूं कि देर इज अ डॉग, यहां पर एक कुत्ता है, इट्स टेल इज ब्रोकन, टूटी हुई, इसकी हड्डी जो है टूटी हुई है. या देर इज अ डॉग, इट्स लेग इज ब्रोकन, इट्स लेग, तो उसमें इट्स आएगा, इसकी, ये वाला इट्स आएगा. देर इज अ डॉग, इट्स लेग इज ब्रोकन. ओके, एंड इट इज, अगर मैं बोलूँ इट इज रेनिंग, तो इट इज रेनिंग को शॉर्ट में बोला जा सकता है इट्स रेनिंग. इट इज, जब भी हम बोलते हैं इट्स अपार्ट, इट्स लेग, इट्स चेयर, ओके, तो वहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं आता. ये होता है अपोस्ट्रोफी, जो ऊपर एक कोमा लगता है ना, ऊपर छोटू सा, इस कोमे को अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी. अब कुछ लोगों ने पोस्ट ऑफिस सुना होगा, कुछ लोगों ने अपोस्ट्रोफिस पता नहीं क्या क्या सुना हुआ, लेकिन ये अपोस्ट्रफी एस होता है, इस कोमे को अपोस्ट्रफी बोलते हैं, इट्स नॉट कमा. ओके, लेट्स मूव फर्दर. पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट, अपनी तरफ से पाकिस्तान क्या बोलेगा, मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू क्रिएटिंग. एक कमिटमेंट टू के बाद जो वर्ब आती है वो ING वाली आती है, यानी कि नाउन आती है. वर्ब में ING लगा देते हैं तो नाउन हो जाता है, जैसे रनिंग इज अ गुड हैबिट, तो ये रनिंग जो है ये नाउन है. सो पाकिस्तान फॉर इट्स पार्ट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट इट्स कमिटमेंट टू क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम टेरर एंड हॉस्टिलिटी. हॉस्टिलिटी वही दुश्मनी चिड़ वाली जो दुनिया है वो नहीं होनी चाहिए. दुश्मनी एक दूसरे से होती है लोगों को, और टेरर मतलब तो पता ही है. तो टेररिज्म और हॉस्टिलिटी से फ्री एनवायरमेंट होना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान को कमिटमेंट करना है पक्का. जयशंकर्स विजिट वाइल प्राइमरीली फोकस्ड ऑन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन कुड सर्व, प्राइमरीली मतलब होता है मेनली, तो मेनली को हम कई बार राइटिंग में चेंज कर सकते हैं प्राइमरीली. तो जयशंकर्स की जो विजिट है जबकि प्राइमरीली फोकस्ड ऑन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन वही आपसी संबंध, तो उसमें मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी और चीज़ें बिजनेस वगैरह से रिलेटेड चीज़ों में है ये, कुड सर्व एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिड्यूसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग हॉस्टिलिटीज. लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब होता है लंबे समय से चली आ रही जो चीज़ें, लंबे समय से चली आ रही चीजें,
चलती हुई, एक ऐसी चीज जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग, जो अब इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस का खराब होना है गड़बड़ ही आज की नहीं है, इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत पुराने समय से आ रहे, बिटवीन द टू न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स। नेबर्स न्यूक्लियर आर्म्ड का मतलब होता है दोनों ऐसे देश हैं जिनमें दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, अगर एक ने भी कोई गड़बड़ करी तो दूसरा उसको रिटेलिएट करेगा। रिटेलिएट मतलब होता है जवाब देगा, और जवाबी हमले में कुछ भी हो सकता है। सो पाकिस्तान को क्या करना है देखते हैं क्या बातें होती हैं। ओके आई वुड अगेन से इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड एज एडिटोरियल रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर लर्निंग हाउ टू राइट एन एसे एंड हाउ टू गेट मार्क्स इन रीडिंग स्किल्स विच आर आस्क्ड इन 10th examinations, 12th examinations, and reading and comprehensive reading and all these things are often asked in very all the famous government examinations. Thank you very much. Have a great day.